आज बने सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी मेहमान खास के खास मेहमान। गर्देजी साहब, थोड़ा बताइएगा, सियासत में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ, कैसे आगाज किया आपने? यूनिवर्सिटी से जब मैं फारिग हुआ तो उसके बाद मैंने अपनी काश्तकारी शुरू की, और जिस इलाके में मैंने ज़रूरी ज़मीन इनहेरिट की थी वो इलाका बहुत बैकवर्ड था, और वो बैकवर्ड होने की वजह से फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, और करने के फिर दो ही तरीके थे, या कोई एनजीओ बना लेता या फिर पॉलिटिक्स में आ जाता। एनजीओ पे मैंने देखा कि उसका कैनवस बड़ा नैरो होगा, पॉलिटिक्स में कुछ बड़े स्केल पे काम हो सकेगा, तो इसलिए फिर सियासत में कदम रखा। अच्छा सर, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं, आप वज़ीर भी, सूबाई वज़ीर भी हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है मौजूदा हुकूमत का? पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से बड़े दावे तो किए गए थे हुकूमती सतह पे, लेकिन क्या डिलीवर कर पा रही है हुकूमत आपकी? जी, दावे जो किए गए थे ना जी, वो बुनियादी तौर पे एक ही दावा था, बाकी दावे जो है ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री दावे थे कि करप्शन को हेड ऑन किया जाए और करप्शन फ्री सोसाइटी बनाई जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो करप्शन से ही हुआ है। अच्छा सर, एक तो इमरान खान साहब ने जो एहतसाब का अमल करने का ऐलान भी किया और किया भी जा रहा है, और हम भी और लोग भी ये समझते हैं कि सिर्फ पकड़ धकड़ जो है वो ज़्यादा हुई, लेकिन जो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया उससे ना तो मुल्क को ना कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो सका, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहला फ़ायदा तो ये है कि जब पकड़ धकड़ होती है ना तो कई लोग करप्शन करने से रुक जाते हैं, उनमें एक डिटरेंट पैदा हो जाता है, ये तो एक बुनियादी फायदा है जी। और दूसरी बात यह है कि चूंकि वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको प्रूव करना और फिर उसको ख़ास तौर पे जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें जिस तरह का एविडेंस चाहिए होता है जी। तो इस तरह का एविडेंस जो वाइट कॉलर क्राइम करते हैं वो आमतौर पे छोड़ते नहीं, तो इस वजह से जितनी लोगों को ख्याल था कि इतनी बड़ी कामयाबी होगी, फौरन हो जाएगी, तो वो नहीं हुई। और दूसरा, अदालती निज़ाम जो है ये एक इसमें टाइम लगता है ना, जो केसेस होते हैं फिर वो केसों के बाद अपीलें होती हैं, फिर तो ये जो जस्टिस का एक तकाजा है उसको पूरा करने में खासा वक्त लगेगा, और बाकी कुछ मामलात ऐसे हुए जो माजी में करप्शन को इस तरह से NROs वगैरह दे के तो जब नज़रअंदाज किया गया, उसके करप्शन के फिर सबूत ख़त्म हो गए, कई लोगों ने अपने अगेंस्ट जो प्रूफ्स थे उनको ख़त्म कर दिया। हमने तो ऐसा भी सुनने में आया कि कई करप्शन के केसेस की फाइलें गायब हो गई, तो ये इश्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है ना, ये एहतसाब का अमल जो है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसके लिए एक तो टाइम चाहिए काफ़ी, और दूसरा ये इसके लिए जो प्रूफ्स चाहिए ना, उस किस्म के प्रूफ्स हमारी सोसाइटी में अक्सर मिलते नहीं है, फिर गवाह बैठ जाते हैं। आप तो देखते हैं ना, डे टू डे क्राइम जो होता है उसमें जैसे ही मुकदमा पुराना होता है गवाहों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है जी, तो ये एक अमल है जिसकी वजह से। गर्देजी साहब, हमने सुना है कि जिस जमात को आप भी किसी दौर में पसंद किया करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसका नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और जिस जमात से अब आप वाबस्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो रोटी कपड़ा मकान लोगों को सस्ती अशिया खुर्दनोश जो हैं वो देने का ऐलान भी आपकी हुकूमत ने किया कि महंगाई में हमेशा इमरान खान साहब एक नारा लगाते थे, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में, आपकी इस हुकूमत में ये बहुत ज़्यादा बड़ी है महंगाई, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो महंगाई बड़ी है, मैं एडमिट करता हूँ महंगाई बड़ी है, जब हुकूमत आई थी उस वक्त तो हुकूमत चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे, और दोस्त ममालिक से पैसे मांग के तो हुकूमत चलाएगी,
उस वक्त अगर माजी की हुकूमतों ने हालात इस नैच पे ना किए होते तो वो हालात तो ना होते ना उस वक्त। आज तो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद तो उससे बहुत बेहतर हालात हैं। आज तो वो उस तरह दोस्त ममालिक से पैसे मांग के हुकूमत नहीं चलाई जा रही। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर अब नज़र आना शुरू हो गए हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तो ये एक फैक्टर है ना जिसकी वजह से ये हालात इस तरह के हो रहे हैं। आपके जो आपका आबाई इलाका है जो यकीनन आपका हल्का भी है, वहाँ पे कितने तरक्याती काम इस दौरे हुकूमत में हुए हैं या इस वक्त ज़ेर तामीर हैं काम? तरक्याती काम हो रहे हैं अभी भी, लेकिन कोविड की वजह से कुछ फंड्स में रुकावट आई थी। फंड्स काफ़ी ज़्यादा फंड्स हेल्थ सेक्टर की तरफ डाइवर्ट हो गए कोविड की वजह से, वरना ठीक है जो रूटीन के तरक्याती काम है वो हो रहे हैं और आइंदा भी। अब हमें तवक्को है कि पहले से बेहतर काम होंगे क्योंकि अब कुछ इकॉनमी की हालत भी बेहतर हो गई है। अच्छा, आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो साबका दौर की हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला जो थे शहबाज शरीफ साहब थे, तो लाहौर में दीगर जो अजला हैं वहाँ पे तरक्याती काम ज़्यादा स्पीडी होते रहे, तेज़ी से होते रहे? लाहौर में तो यकीनन दूसरे इलाकों से ज़्यादा तेज़ी से काम होते रहे, और हमारा गिला यही है कि हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वो उनमें प्रोजेक्ट तो बन जाते थे, फंड एलोकेट भी हो जाते थे, फिर 6 महीने बाद उनको स्लो मूविंग प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके उनके फंड लाहौर ट्रांसफ़र हो जाते थे। ये तो, और आप ये बताएं कि आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा, कामयाब भी हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं, क्यों गए आप इस जमात में? देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत पहले शामिल हुआ था। ये अलग बात है कि 2013 का भी मुझे आज़ाद लड़ना पड़ा और ये 18 का भी आज़ाद लड़ना पड़ा, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया है कि मैं क्यों तहरीक इंसाफ में आया था, और वो उसके है एक करप्शन के अगेंस्ट मेरी जो एक सोच है उसकी वजह से आया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी वाबस्तगी रही, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी रही, और फिर पीपल्स पार्टी में मेरी वाबस्तगी फारूक अहमद लगारी के साथ ज़्यादा हो गई। फिर जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैर बात कहा तो मैंने भी उनके साथ खैर बात कहा, फिर उन्होंने मिलत पार्टी बनाई, मैं फिर उस मिलत पार्टी के पंजाब का प्रेसिडेंट था, तो उनके साथ फिर उनको ज़िंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी, तो फिर उसके बाद मैंने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। अरे सर, आपके नज़दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ तीनों में से आने वाले इलेक्शन और आने वाला मुस्तकबिल जो है किसका रोशन है? इस वक्त तो इमरान खान ही एक ऐसा लीडर है जो चारों सूबों में यकसा मकबूल है, और पीटीआई ही एक ऐसी जमात है जो आज क्लेम कर सकती है कि वो पाकिस्तान की एक नेशनल पार्टी है। इसमें कोई शक नहीं कि एक वक्त में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों नेशनल पार्टीज थी, लेकिन दोनों ने जब मिसाक जमहूरियत के बाद अपने आप को सूबाई पार्टियाँ बनाया और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि तुमने मेरे टर्फ पे एंटर नहीं होना, मैंने तुम्हारी टर्फ में एंटर नहीं होना, ये मिसाक जमहूरियत की जो एंटर अंडरस्टैंडिंग थी इनकी। तो उसके बाद अब तो जाहिर है कि एक ही नेशनल पार्टी है, और पाकिस्तान में मैं तो चाहूँगा कि नेशनल पार्टी ही की हुकूमत हो जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती हो। अच्छा सर, आपकी जो तालीम है वो एग्रीकल्चर में डिग्री आपने हासिल की और वजारत भी आपके पास यही है, तो ये आपकी बाय चॉइस था या इत्तफाक ऐसा है? जी यकीनन मेरी ख्वाहिश तो हमेशा रही है, मैंने पहले भी
वटू साहब की कैबिनेट का हिस्सा रहा, नकई साहब की कैबिनेट का हिस्सा रहा, परवेज इलाही साहब की कैबिनेट का हिस्सा रहा। उन अदवार में भी मेरी ख्वाहिश तो होती थी ज़राअत की वजारत के लिए, लेकिन पहले नहीं मिली मुझे, तो अब मिली है। तो अब भी 2.5 साल के बाद मिली है मुझे, पहले तो मेरे पास और वजारत थी शुरू में। अच्छा, आपकी जो कलमदान जब से आपने संभाला है ज़राअत का, तो उसके बाद क्या आपने इसके लिए काम किया इस वजारत में जो आपके इसमें जो मेजर मैं तब्दीलियाँ की हैं और मज़ीद जो करना चाह रहा हूँ ना, वो ज़्यादातर टेक्निकल साइड पे है। और वो टेक्निकल साइड की तब्दीलियाँ जो हैं वो उनको मैं कोशिश करूँगा आम फहम करके बयान करने की, कि बुनियादी तौर पे हम जो तब्दीली इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरह कुछ स्टेप्स ले ले हैं और कुछ मज़ीद स्टेप्स ले लें, तो उसमें एक तो हम चाहते हैं कि बीच का जो सेक्टर है वो डेवलप नहीं हुआ, और इस बीच के सेक्टर में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हम चाहते हैं कि अगर आम फहम अल्फाज में मैं यूँ कहूँगा कि अगर एक काश्तकार किसी एक जिन्स का एक बैग बीज लेता है, तो उस बैग में एक स्लिप या टोकन ऐसा मौजूद हो कि उस टोकन से उस बैज की ट्रेसेबिलिटी हो सके, कि वो उसको वो उसके कोड पे जब भी डायल करके तो कोड नंबर वो बताए, तो उसको पता चल जाए कि ये बीज फलां जिन्स का है, इसमें इतने परसेंट प्योरिटी है, इतने परसेंट जर्मिनेशन है, और इसका ये ओरिजिन है, वहाँ पे ये बनाया गया, वहाँ पे पैक किया गया। ये जिसको हम टेक्निकल ज़बान में कहते हैं कि ट्रेसेबिलिटी हो। अच्छा, एक हम ये चाहते हैं। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि वैराइटीज़ जो हैं, जो भी नई वैराइटीज़ आए मुख्तलिफ अजनास की, तो वो उनकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और उनका सही करेक्टर मेंटेन करने के लिए और जालसाजी को ख़त्म करने के लिए हम उनका डीएनए जो है उन वैराइटीज़ का कराया जाएगा। मैंने ये लाजमी करा दिया है कि पंजाब में जो भी वैराइटी रजिस्टर होगी वो डीएनए के बगैर रजिस्टर नहीं होगी। अच्छा, ताकि उसकी ट्रेसेबिलिटी हो सके। इसके साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर साहब का पैकेज अब आ गया है, हम ज़रूरी मशीनरी दे रहे हैं लोगों को, हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए जो खाद पे सब्सिडी दी जाए। मैंने पिछले दिनों जब किसान कार्ड हमने लॉन्च किया है, ये किसान कार्ड का मकसद ही यही है कि करप्शन ख़त्म की जाए, जो वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे, कोई ये ना कहे कि मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हारा ये सब्सिडी कैश करा देता हूँ, वो कार्ड में खुद ब खुद क्रेडिट हो जाए और कार्ड वो एटीएम से वो सब्सिडी की अमाउंट निकलवा सके। इस तरह के मेजर्स हम ले रहे हैं ताकि किसान को करप्शन से जान छुड़ाई जाए। दूसरा, किसान को जो वो कभी लोन लेना होता था और वो बैंकों और पटवारियों के दरमियान शटल बना रहता था, उससे निजात मिल जाए, उसको एक ही बार उसको कार्ड, जब किसान कार्ड बनेगा उसका पूरा डाटा उसमें महफूज होगा और वो उस किसान कार्ड के ज़रिए कर्ज़ा ले सकेगा या बाकी सहूलियात हासिल कर सकेगा। तो ये कुछ इकदाम हैं जो हमने किए, मज़ीद कई इकदाम हम करना चाहते हैं, जैसे IPM का एक सिस्टम लॉन्च करना चाहते हैं हम, और सीड जो वेजिटेबल सीड हमारा बहुत इम्पोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा 90% हम इम्पोर्ट करते हैं वेजिटेबल सीड, हम चाहते हैं कि हम उसको अपने मुल्क में बनाएं, हम खुद कफालत की तरफ जाएं। तो ये कोशिशें हैं जो हम कर रहे हैं।
सैयद हुसैन गर्देजी के साथ खाने की मेज पर आलू गोश्त, स्टीम रोस्ट पुलाव और गुड़ वाले चावल का पुरतकल्लफ डिनर किया। रात को चाय पर अपने दोस्त सैयद शुएब शारक से मुलाकात की। शुएब साहब, गर्देजी साहब आपके घर आए हैं, आपने इफ्तारी भी इतनी मजे की है, तो जरा इनके बारे में बताएं, माइक लीजिएगा, बताएं कैसी दोस्ती और कैसे इंसान पाते हैं आप इनको। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, दिल खुश हो जाता है मिलके। जानिया साहब तो माशाल्लाह इन्होंने जैसे इनका काम भी है, अल्लाह ने इनको जो काम सौंपा है हमारी ज़रात के हवाले से कि भाई 65-70% हमारी आबादी जो है या हमारा जो मुल्क है वो ज़रात पे मुनसर करता है। जैसे ये आटा चीनी का चल रहा था, लेकिन जब से जहानिया साहब आए हैं इन्होंने अपनी पूरी ताबड़तोड़ कोशिशें की हैं और किसान को खुश किया है। बड़े खुश अखलाक हैं, जो भी मिलता है वो इनकी तारीफ करता है, और जो भी कोई किसी काम के लिए भी इनके पास चला जाए तो ये अपने पूरे सलाहियतों के साथ उसकी मदद करते हैं, तो जिससे देख के बड़ी खुशी होती है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है कि जानिया साहब मेरी तरफ तशरीफ लाए। आज जो आपने खाना बनाया था, इनमें कोई इनकी फरमाइश भी थी या आपने अपनी मर्जी से ही सारी कुकिंग करवाई थी? शख्सियत के मुताबिक। अच्छा। हाँ, कि भाई सादा से हैं तो मैंने सादा सादा सा रखा। तो गर्देजी साहब आप बताएं कि जैसे इन्होंने बड़ा पुरतकल्लफ हमारा इफ्तार डिनर किया, तो क्या शौक से खाते हैं, कभी कुकिंग शुकिंग खुद भी करते हैं या? जी, खुद तो कुकिंग नहीं की मैंने सिवाय अंडा बनाने के। और वैसे मेरी कोशिश होती है कि सादा गिज़ा, सब्जी दाल वगैरह मैं पसंद करता हूँ। बल्कि मज़े की बात है कि इंडिया में मैं था। अच्छा। वो मुझे कहें वहाँ सब्जी वगैरह थी तो वो वेजिटेरियन है ज़्यादा, तो उन्होंने गोश्त वगैरह बनाया हुआ था, तो वो मुझे कहें कि जी गोश्त ले, मैं वो सब्जी दाल खा रहा था, तो उन्होंने समझा कि शायद मैं इसलिए नहीं खा रहा कि हलाल गोश्त नहीं होगा, तो वो मुझे कहने लगा, वो मेरा होस्ट था, ये जी असी हमेशा तू हलाल गोश्त लेने अपने घर, मैं जेड़े कसाई तू मैं लेना ओदा ए ना जे ओदे प्यो दा ए ना जे ते ओ बिल्कुल मुसलमान है ते ओ हलाल गोश्त करदा ते मैं ओदे कोल ही हमेशा लेना, तो मतलब ये मेरी बस तबीयत इस तरह की है। रजी साहब बचपन कैसा गुजरा, कैसे स्टूडेंट थे आप? बस बचपन के अल्लाह की मेहरबानी है कि बस मैं ठीक था, मुनासिब स्टूडेंट था। हम जो हमारे ज़माने में तो यही होता था कि जी वो 60% मार्क्स आ गए हैं, फर्स्ट डिवीजन होगी, वो काफ़ी है। आजकल तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया ना, लेकिन उस ज़माने में उस हिसाब से ठीक था मेरा सिलसिला। और फिर मैट्रिक के बाद मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चला गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उस ज़माने मैट्रिक के बाद दाखला होता था, तो वहाँ फिर एमएससी वहीं से की। अच्छा, हर शख्स का कोई ना कोई बचपन का ऐसा वाकया ज़रूर होता है जो सुनाते वक्त भी वो हंसता है और जब याद करता है तब भी हंसता है। आपका कोई ऐसा वाकया हो तो हमारे साथ शेयर करें। 1990 का इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी का मैं कैंडिडेट था उस वक्त पहला। मैं तो बेनज़ीर साहिबा आई, वो हमारे इलाके का विज़िट किया उन्होंने, और वो उस विज़िट के दौरान मैं जीप की छत पे बैठ गया, और काफ़िला बहुत तेज़ी से चलता था, वो VIP मूवमेंट जैसे होती थी जी बहुत। तो अब जब मैं कभी कभी सोचता हूँ ना तो मुझे बड़ा डर लगता है कि मैंने क्या हरकत की थी। अच्छा सर, फैमिली के बारे में बताइएगा, बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, क्या उनको भी सियासत में लाने का इरादा है बेटों को? मेरा एक ही बेटा है और 3 बेटियाँ।
और मेरी चूँकि शादी अभी मैं स्टूडेंट ही था तो हो गई थी जल्दी, तो वो जल्दी हो गई थी क्योंकि मैं अपने वालदैन का इकलौता बच्चा था, तो इसलिए उन जल्दी शादी हो गई। फिर उसके बाद मेरे बच्चों ने जैसे तालीम की, बेटियों की शादी हो गई, फिर बेटा भी अब तो माशाल्लाह उसकी भी शादी हो गई है, वो छोटी बेटी जो है उसकी भी। अच्छा सर, सियासत में आप ज़ाहिर आए हैं और जिस इलाके से आपका ताल्लुक है और आपके पास जो वजारत है वो भी ज़मीन से वाबस्ता है, ज़रात, तो आपके पास अपनी भी तो ज़मीनें काफ़ी होंगी। जी बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है काफ़ी। तो आप, हमने ये भी सुना है कि आपको घोड़ों का बड़ा शौक है, कोई ख़ानदानी शौक है ये? जी ये मेरा ख़ानदानी शौक है, मेरे वालिद को, मेरे दादा को, मेरे जहाँ तक हिस्ट्री हमें बताती है तो ये शौक हमारी फैमिली में चला आ रहा है। रेजी साहब, क्या रूटीन होती है रोज़ाना की बुनियाद पर? ताल्लुक आपका खाने वाल से है, लाहौर में रहते हैं, फिर अपने हल्के में कब जाते हैं, क्या मसरूफियत होती है? 5 दिन मैं लाहौर में होता हूँ वर्किंग डेज में, सैटरडे संडे मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हल्के में गुजारूँ, और उसमें में भी सैटरडे का दिन तकरीबन लोगों से मिलना मिलाना, जो लोगों के मसाइल हैं सुनना, वो इशू होता है, और संडे के दिन कहीं शादी है, कहीं कोई फौत की हो गई है, कहीं सोशल अप्लीकेशन जो होती है वो उसमें गुजर जाता है, ये मंडे से जहाँ ऑफिस। काश्तकार खालिद मुमताज भट्टी से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह मॉडल टाउन पहुंचे। मुमताज साहब, आप भी किसान हैं और ये बताएं कि काश्तकारी इस दफा कैसी रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो हम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ ले आए, और ख़ास तौर पे हमारे मिनिस्टर साहब जो ज़राइत के हैं, जहानिया साहब, हुसैन जहानिया साहब, मोस्ट वेलकम जी। शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इस दफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत बम्पर क्रॉप हुई है। अच्छा। बहुत अच्छी फसलें हुई हैं और इसको अल्लाह का फजल समझें, और अगर गंदम की अभी कटाई हुई है तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी जगह पे भी 35 मन से कम निकली हो, 35 मन फी एकड़, और कई जगह तो रिकॉर्ड हुआ है कि 65 मन से भी ऊपर गई है, 55 मन से ऊपर गई है, लेकिन आप उसको एट एवरेज समझें कि 35 मन से कोई कम एकड़ से गंदम कम नहीं निकली। अच्छा मुमताज साहब, इसमें आप समझते हैं कि कोई महकमा ज़राअत का भी कमाल है या कुछ? जी महकमा ज़राअत वाले असिस्ट करते हैं, और आम तौर पे सिर्फ एक जो है ना वो मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो है ना हमारे जो रिसर्च है सीड्स की, ख़ास तौर पे जैसे ये कपास का एरिया है, आपको पता वो सूरज को चिराग दिखाने के, लेकिन वो जो सीड्स है ना जी किसी किस्म का भी, उस पर रिसर्च हमारी बहुत कम है। मैं ये समझता हूँ कि जो है ना ज़राइत को 3-5 साल जो है ना एक किसी सीड पे भी काम करना चाहिए, और ख़ास तौर पे कॉटन क्रॉप पे, वो जो है ना उसमें जो बीमारियों की हालत है और वो जो कीड़ा वगीड़ा लगता है वो अगर ठीक हो जाए तो मैं कहता हूँ हम जिस तरह ये बेल्स कम हुई हैं पिछले साल, और हमें जो है ना वो माशाल्लाह इंपोर्ट के आर्डर बहुत ज़्यादा थे तो धाके के लिए मुश्किल पेश आई हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए आपकी हुकूमत ने इन्वेस्टर को इजाज़त दी है कि आप फैक्ट्रियों में इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा गिरदेजी साहब, जो मुमताज़ साहब बात कर रहे हैं कि
इस दफ़ा फसल अच्छी हुई है और इन्होंने बड़ा वालहाना इस्तकबाल भी किया है आपकी कारकर्दगी का, तो आप बताएं कि ये तो यकीनन बड़े काश्तकार हैं या बड़े किसान होंगे, जो आम किसान है, छोटा काश्तकार है, उसके लिए भी कोई आपका महकमा कुछ ऐसा काम कर रहा है? जी, यकीनी तौर पे हमारा महकमा जो है ना, वो बल्कि पहले तो छोटे किसान पे ज़्यादा फोकस होता था, लेकिन हमने आके इसकी इसमें ये तब्दीली की है कि हमने कहा है कि ये बड़े छोटे की तफरीक को वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं चलाना, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम चलाना है। तो उसके सिलसिले में हम अब छोटे किसान पे भी खासी तवज्जो देते हैं और बड़े किसान को भी ये तवज्जो देते हैं, और मार्केट सरप्लस चूँकि बड़ा किसान देता है तो इसलिए उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हम अब ये जैसे भट्टी साहब ने आपको बताया है, अल्लाह की मेहरबानी हमारे साथ रही है और इस दफ़ा बेहतर नतीजा है। और फिर जो इंटरनेशनली हम मार्केट्स की जो प्राइसेस थी, हमने कोशिश की है कि हमारे किसान को भी उसी तरह बेहतर प्राइसेस मिले, और इस दफ़ा हमने बेहतर प्राइसेस दिलवाई हैं, जिसकी वजह से किसान इस दफ़ा खुशहाल है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसी ट्रेंड को कायम रखेंगे। अच्छा सर, छोटे काश्तकार की आप बात कर रहे थे कि उनको भी कुछ ना कुछ उनके लिए भी करना चाहिए और बड़े काश्तकारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो छोटे काश्तकारों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे माजी में हमने सुना कि ज़री तरक्याती बैंक जो हैं वो कर्ज़ा देते थे। जी, ये अभी हमने किसान कार्ड जो शुरू किया है वो छोटे किसान को उससे कर्ज़ा भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी, और क्लेमेंटी नेचुरल क्लेमेंटी अगर आ जाए तो उस सूरत में उसको इंश्योरेंस की शक्ल में पैसे भी मिलेंगे। तो इस तरह हम अब और ये सारा हम ब्रांचलेस कर रहे हैं ना, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के ज़रिए, ताकि इसमें करप्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके, किसी किस्म की करप्शन ना हो, तो ये इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर पे भट्टी साहब ने बहुत अहम बात की है कि ज़िराअत में हमें कपास पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कपास ही हमारी एक ऐसी फसल है जिससे हमारी एक्सपोर्ट जो है उसका मेन दारोमदार है, बल्कि 60% एक्सपोर्ट जो है कॉटन बेस्ड है, तो हमें कॉटन पे खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। और माजी में पॉलिसीज़ कुछ इस तरह हुई हैं जिसकी वजह से कॉटन नज़रअंदाज होती रही है, और अब हम चाहेंगे। और दूसरी अहम बात की है, क्योंकि प्रैक्टिकल फार्मर है ना, तो ये ही हैज़ वो अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, हिट द नेल एट द हेड वाली बात इन्होंने की है, कि बीज की जो बात की है वो भी बहुत अहम है, और बीज के सेक्टर में अब हमने काफ़ी तब्दीलियां की हैं, और हम बीज को ट्रेसेबल बना रहे हैं, उसकी प्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं और नए बीज दरियाफ्त कर रहे हैं। कपास में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कपास अब बिल्कुल ही नीचे चली गई है, तो कपास के अलावा बाकी फसलात अल्लाह की मेहरबानी से इस दफ़ा बेहतर हुई है और किसान को उसका बेहतर मुआवजा मिला। अच्छा सर, एक आखिरी बात आप बताइएगा कि हर साल हम देखते हैं और सुनते हैं कि लाहौर शहर में सैकड़ों की तादाद में किसान जो हैं वो जनूबी पंजाब से दीगर अजला से आते हैं और धरना दे के बैठ जाते हैं, तो क्या उनके मुतालबात पे भी कोई पहले से गौर किया जाएगा या हर साल की दफ़ा इस दफ़ा? मैंने एक नया तरीका शुरू किया है, मैंने तमाम किसानों से एक इंटरेक्शन रखा हुआ है, उनकी आरा मैंने उनको कहा है कि आप अपने मशवरे दिए, आप अपनी राय दें, आपको जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें, हमारे साथ डायलॉग में रहें, ताकि हम आपसे रहनुमाई, क्योंकि आपको ये बात तो अंदाज़ा हो गया होगा कि जो प्रैक्टिकल फार्मर होता है, ये भट्टी साहब की बात सुन के ही आपको अंदाज़ा हो गया कि जो प्रैक्टिकल फार्मर होता है वो हमेशा वो जो इशू होता है मेन उसी को टारगेट करता है, और वो कहता है कि ये मसला है, तो इसीलिए
जितनी भी किसान तंजीमें हैं उनको हम अब उनसे आरा लेते रहते हैं, उनको इंगेज करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब मेरे टेन्योर जब से मैंने ये मदारा संभाली उस वक्त से आपको कहीं इस किस्म का एहतजाज या धरना नज़र नहीं आया होगा। अच्छा सर, थोड़ा अपनी ज़ाती लाइफ के बारे में बताइए कि म्यूज़िक सुनते हैं। जी मैं सुनता हूँ, और स्पेशली सेमी क्लासिकल जो है गज़लें सुनता हूँ, और ख़ास तौर पे आरफाना कलाम मैं शौक से सुनता हूँ, लेकिन वक्त कम मिलता है उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद सुनता हूँ। तो कौन से गुलुकार कौन से पसंद हैं, किनको ज़्यादा सुनते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? गुलुकार मेहदी हसन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ख्वातीन में फीमेल सिंगर्स में लता मुझे अच्छा। बहुत पसंद है, और हमारे जो फोक सिंगर्स हैं उनमें पठाने खां। अच्छा, इस किस्म के लोग। अच्छा सर, फनकार भी अच्छे लगते हैं। पठाने खां के अलावा आबदा परवीन। और फनकारों में कोई अदाकार भी अच्छा है? टीवी ड्रामास देखते हैं, फिल्में देखते हैं? टीवी ड्रामास एक ज़माने में तो बहुत देखते थे, लेकिन अब टीवी ड्रामास का मेयार जैसे गिरा, फिर मैंने देखना छोड़ दिया, फिर सियासत में मसरूफियात इतनी हो गई कि फिर कम मौका मिलता है। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी है, और अगर आप ये सोचें कि आप किसी जमात से आपका ताल्लुक नहीं है एज ए शहरी, एज ए सिटीज़न, तो क्या मुल्क में बेहतर होना चाहिए? जो मुल्क में जिस दिन करप्शन ख़त्म हो गई ना, ये मुल्क जन्नत नज़ीर बन जाएगा। और करप्शन हर लेवल पे, लोएस्ट लेवल से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक ख़त्म होनी चाहिए, और यही करप्शन है जो हमारे मुल्क को वो आगे नहीं बढ़ने देती। मैं जब अमेरिका में था तो मैं सोचा करता था कि ये अमेरिका सुपर पावर कैसे बन गई, तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो उनको अल्लाह की तरफ से उस इलाके में दस्तियाब हुए थे, पानी था, मौसम था, आबो हवा, ज़मीन, तो उससे उन्होंने पहले एग्रीकल्चर को डेवलप किया, फिर इंडस्ट्री की तरफ आए, फिर हाईटेक की तरफ गए। तो मैं नहीं, उसी तरह मैं देखता हूँ मेरे मुल्क में भी अल्लाह पाक ने नेचुरल रिसोर्सेज उसी तरह दिए, लेकिन हमने उस तरह डेवलप नहीं किया। तो अगर करप्शन ना होती तो आज हमारा मुल्क भी एक बहुत शानदार तरक्की याफ्ता मुल्क होता। रोशन मुस्तकबिल में या बेहतर मुस्तकबिल जिनका है सियासत में, वो लोग कौन से लगते हैं आपको? जो अपराइट होंगे अल्टीमेटली तो बेहतर मुस्तकबिल उन्हीं का ही होगा, और वही लोग आखिर एक वक्त आएगा जब इस मुल्क में करप्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, दोस्तियां आपकी कैसे लोगों से हैं सियासत में, जो आपके साथ कुलीग्स हैं, किनके साथ ज़्यादा दोस्तियां हैं, जो आपके हम ख्याल या आपकी तरह सोचते हों, जिनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक बना हो, जुड़ा हो आपका? देखिए, दोस्तियां दो किस्म की होती हैं। जो एक करीबी ताल्लुक है ना, वो तो मैं समझता हूँ उन लोगों से होता है जिनसे आपकी बचपन से दोस्ती हो, और बाकी दोस्तियां दुनिया में अच्छे इंसान जब जैसे जैसे मिलते हैं आप उनसे दोस्तियां भी करते हैं, उनके करीब भी होते हैं, और बहुत से लोग हैं, और सियासत में तो ख़ास तौर पे बहुत से लोगों से मिलना मिलाना रहता है और बहुत से लोगों से दोस्तियां रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि बचपन के दोस्त जो है ना, वो उनका नेमल बदल को है। तो सर, एक बचपन की जवानी की एक मोहब्बत भी होती है जो ख़ातून से की जाती है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिला। मेरे साथ ट्रेजडी ये हुई कि मैं हॉस्टल में था जहाँ ख़ातून का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, स्कूल में भी, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चला गया, वहाँ पर भी कोई वो नहीं था,
और अभी वहीं पे हॉस्टल में ही था, ज़ेर तालीम ही था कि मेरी शादी हो गई, तो इस वजह से मोहब्बत से आप आशना नहीं हो सके। तो वैसे आपको अच्छी लगती है जो लोग करते हैं या जो लोगों के बारे में आप कभी सुनते हो तो क्या महसूस क्या करते हैं कि दो प्यार करने वाले दिल जो हैं वो मिलने चाहिए? नहीं, मोहब्बत एक बहुत हसीन जज्बा है और मोहब्बत आपको ये खूबसूरत फूल आपको यहाँ नज़र आएंगे, इनसे आपको मोहब्बत होगी, उनसे होगा, और कोई चीज़ आपको अच्छी लगेगी, भली लगेगी, उससे अटैचमेंट होगी। और ये फिर मोहब्बत का जो एक्सट्रीम है वो तो अल्टीमेटली ये है ना, आप जब जिसे आम अल्फाज में इश्क हकीकी कहा जाता है, असल इश्क वही है। बाकी तो मोहब्बत जो दुनियावी मोहब्बत है ना, वो सेल्फिशनेस है। वो मतलब मुझे फलां चीज़ अच्छी लगी है इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है, वो मेरी सेल्फिश, या मैं फलां से, इवन अगर कोई कहता है कि मैंने फलां से शादी करनी है तो वो भी उसका अपना एक सेल्फिश मोटिव है। देखिए ना, मैं इसको एक और तरह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप बच्चे तो सारे बच्चे होते हैं ना, तो हर वालिद को अपने बच्चे से क्यों ज़्यादा प्यार होता है? वो क्योंकि उसका होता है और ये उसका सेल्फिश मोटिव है। और सेल्फलेस तभी होता है जब आप अल्लाह से लौ लगा लेते हैं और हकीकी इश्क का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे।